नमस्कार, चलिए बात करेंगे एक नई पहल के बारे में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शुरू किया है। बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक अनोखी पहल करते हुए 8 सांसदों को सजा सुनाई। यह सजा थी उनके साथ संसद भवन की नई कैंटीन में लंच करने की। पीएम मोदी के दफ्तर से इन 8 सांसदों को फोन आया कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। जब वे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें एक सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद पीएम मोदी 8 सांसदों को लेकर लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर बनी कैंटीन में गए। वहां पर उन्होंने सभी के साथ मिलकर भोजन किया। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सांसदों के साथ अनौपचारिक संबंध बनाने की इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने इस दौरान सांसदों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ जिन 8 सांसदों ने लंच किया वे सब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इनमें से लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग, आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद राममोहन नायडू, तमिलनाडु से बीजेपी सांसद एल मुरुगन, ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद समित पात्रा और उत्तर प्रदेश से बीएसपी के सांसद रितेश पांडे, गोवा से बीजेपी सांसद हिना गावित, केरल से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्टरी पार्टी के सांसद एन प्रेमचंद्रन और नागालैंड से बीजेपी सांसद एफ फांगनोन कोनाइक शामिल रही। बताते हैं कि करीब एक घंटे तक चले लंच के लिए पार्लियामेंट की कैंटीन में पहले से ही सारा इंतजाम मौजूद था। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी और 8 सांसदों के लिए शाकाहारी थाली मंगवाई गई। लंच के दौरान हल्के फुल्के मूड में पीएम मोदी और सांसदों की आपसी बातचीत भी काफी ज्यादा अच्छी हुई और इस दौरान सांसदों ने पीएम मोदी से उनके राजकाज के अनुभवों के बारे में भी पूछा। जब एक सांसद ने उनसे इस लंच की वजह पूछी तो पीएम ने कहा कि वे भी इस एक आम इंसान की तरह है और उनमें भी आम लोगों जैसी भावनाएं हैं। वे हमेशा ही एक प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद नहीं रहते हैं। आज उनके मन में सांसदों के साथ चर्चा और खाने की इच्छा है, इसीलिए कॉल कर उन्हें बुलाया गया है। सांसदों ने इस पहल के लिए उनकी खुले दिल से तारीफ की है।